हरे कृष्णा। आपके 11वें दिन में आप सभी का स्वागत है। और एक और दिन रह गया है हमारा, कल का अध्याय। इसके बाद हम भक्ति योग जो है हमारा समापन होगा। ये अध्याय आज हम भगवान के विश्व रूप दर्शन यानी भगवान विराट रूप का अपना दर्शन दिखाएंगे। और इस अध्याय में भगवान केवल अपना एक रूप नहीं दिखाएंगे, तो भगवान करीबन चार रूप अपना दिखाएंगे इस अध्याय के अंदर ही, ठीक है ना। चार रूप का वो अपना प्रकट करेंगे, ठीक है। और क्यों करेंगे, क्या कारण है, क्योंकि अर्जुन तो 10वें अध्याय में ही मान चुके थे भगवान। तो भगवान अर्जुन यहाँ बताएंगे कि वो भगवान को विराट रूप जो है क्यों दिखाने के लिए, क्यों देखने के लिए अर्जुन चाह रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कल का अध्याय का अवलोकन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा विभूति योग, ठीक है। विभूति योग में हमने क्या देखा, विभूति योग में सबसे प्रथम चार बहुत महत्वपूर्ण श्लोक थे, जिसको चतुर्श्लोकी गीता भी बोलते हैं, और जो पूरा गीता को सार को सार का नीचे पूरे गीता का निचोड़ है, ठीक है। गीता का निचोड़ है, जिसमें सबसे पहले भगवान अपने स्वयं के बारे में, स्वयं के स्वभाव के बारे में बताते हैं, और उनका और हमारा क्या संबंध है उसके बारे में, संबंध ज्ञान के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये आध्यात्मिक और जो भौतिक जगत है ये मेरे से ही उद्भूत, ठीक है। ऐसा करके भगवान अपने संबंध को स्थापित करते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम जो हैं वो भगवान से आते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। मत चित्ता, इसके बाद फिर अगर भक्त भगवान की इस दिव्य स्वरूप को जान जाता है, तो भक्त का क्या, किस तरह भगवान के साथ किस तरह आदान प्रदान करता है, तो भगवान बताते हैं मत चित्ता वो मैं भक्त जो है मेरे साथ मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंता परस्परम, वो मेरे में अपना हमेशा चित्त लगाया रहता है। मत चित्ता मत गत प्राणाम, मेरे लिए जीवन दे देता है, सारा जीवन मेरे लिए अर्पित कर देता है। जैसे श्रील प्रभुपाद कई आचार्य ने अपने जीवन भगवान की भक्ति और उनके उपदेशों का प्रचार करने में पूरा अपना जीवन भगवान के को समर्पित कर दिया। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं मदगत प्रणाम बोधयंत परस्परम, आपस में मेरे लिए बातें करते हैं, कथयंतश्च माम नित्यं, मेरी लीलाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और क्या हो जाता है, ऐसा करने से तुष्यंती च रमंती च, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो कल हमने बहुत ही सुंदर वीडियो देखा था श्रील प्रभुपाद का, जहाँ पे वो पूरे भक्तों के साथ बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कीर्तन संकीर्तन करते हैं, संघ के साथ कीर्तन, ठीक है। तो उसे संकीर्तन कहते हैं। इसके बाद फिर भगवान ने बताया कि मैं भक्तों के साथ किस तरह का आदान प्रदान करता हूँ, क्या करते हैं भगवान, भगवान हमें बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, ताकि अगर हम भगवान के प्रति निष्ठा शुरू करें, भगवान के प्रति एक पग आगे बढ़ाएं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, भगवान बताते हैं। वृंदावन आप जाएंगे तो वहां के वृंदा के वन के ऋषि मुनि जो आचार्य हैं वो इस श्लोक को बहुत यूज करते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, जो तू करे काट सो मैं करूं लोहे की लाठ, यानी तुम जो एक पग आओगे तो मैं 60 पग तुम्हारे पीछे आऊंगा। तो हमें एक कंक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, एक माला करना शुरू कीजिए, भगवान आपसे के आगे 60 पग बढ़ाएंगे। लेकिन जो तू करे काट सो, अगर हम अपने हृदय भगवान के लिए काट का करेंगे, यानी हम कठोर होंगे भगवान के लिए, तो भगवान प्रत्युत्तर भी वैसे ही रखेंगे, यानी लाठ का, भगवान हमारे लिए लाठ के हो जाएंगे, ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो भगवान हमें क्या देते हैं, ददामी बुद्धि, बुद्धि देते हैं। और अंत में भगवान बताते हैं कि मैं जिनके जिनको जो मेरे प्रति निष्ठा रखते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, तो उनको उनके लिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, ज्ञान दीपेन भास होता है, ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, ठीक है। बुद्धि भी देते हैं दीपक भी जलाते हैं। तो सोचिए हमें बस एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, बाकी तो सारा भगवान हमारे लिए, सारा आयोजन भगवान के लिए कर देते हैं हमारे लिए, ठीक है।
ये सब सुनते ही अर्जुन क्या बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान आप परम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम भगवान, आप शाश्वत हैं, यानी भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं अर्जुन। ठीक है, तो अब यहां से जो है भगवान, क्योंकि अब पहचान लिए हैं, ठीक है, तो अब क्या है, अब अर्जुन अर्जुन का तो आत्म साक्षात्कार हो गया भगवान के भक्त में। अब जो भी अर्जुन, वैसे तो पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे को, अब सिर्फ और सिर्फ अर्जुन जो है हमारे लिए हमें समझाने के लिए भगवान को बोलेंगे कि ये करिए ये करिए, ये भी बताइए ये भी बताइए, है ना। तो और इसके साथ ही ये 10वां अध्याय जो है, फिर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। विभूति क्या है, भगवान के ऐश्वर्य कौन से ऐश्वर्य हैं, जिनके द्वारा, वो भी कौन से हैं, वो एक संकेत मात्र है। थोड़े से अगर हम बद्धजीव हैं, नए लोग हैं, नए भक्ति करना शुरू करेंगे, तो हमें तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है ना कि भगवान हम कहाँ दिखते हैं, भगवान को हम कैसे जाने, भगवान कैसे दिखते हैं, उनके भी दो आंख होते हैं, दो ना कान होते हैं, उनका भी मुंह होता है। तो हमें ये समझना होगा हम भगवान के मिरर इमेज हैं, हम भगवान के प्रतिबिंब हैं। ठीक है, हम भगवान जैसे थोड़े दिखते हैं, भगवान हमारे जैसे नहीं दिखते। ठीक है, क्योंकि वो निर्माता है, तो निर्माता हम उनके जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि ठीक है, तुम नए हो, अभी नए नए शुरू कर रहे हो, तुम मेरे ऐश्वर्य को जानो, मेरे विभूतियों को जानो, ठीक है, जिसके द्वारा तुम मेरे मेरे तरफ एक स्टेप आगे आओगे। ठीक है, तो अपना महानता के बारे में चर्चा करते हैं भगवान, और इसके बाद फिर बताते हैं ये जो मैं विभूति तुमको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ संकेत मात्र है, ये सिर्फ संकेत देते हैं। ठीक है, ये कर करके वो 10वां अध्याय समापन होता है। और अब क्या है, विश्व रूप दर्शन योग, भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं, क्या प्रश्न करते हैं अर्जुन, देखिए। अर्जुन उवाच मदनुग्राह्य परमं गुह्यं अध्यात्म संगितं यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयम विगतो ममः। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन वही चीज बोल रहे हैं कि अब मेरा कोई मोह नहीं है, अब मेरा सारा संशय दूर हो गया है, क्योंकि वो तो 10वें में ही सरेंडर कर देते, परम उन्होंने बोल दिया था, जब जैसी चतुर श्लोकी गीता भगवान ने बोला, वो अर्जुन ने सरेंडर कर दिया था। उसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा सारा मोह, मेरा संशय दूर हो गया है। तो ये जर्नी जो है अर्जुन की जो आत्म साक्षात्कार कर जर्नी है, वो करीबन अब समापन हो जाता है। ठीक है, अब अर्जुन जो है सिर्फ हमारे लिए बात करेंगे और उस ज्ञान का और विस्तार करेंगे। तात्पर्य यहाँ, अब यहाँ जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना कि उसका मोह दूर हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। तो भगवान, अब अर्जुन जो है को स्वयं उनका खुद का तो परम साक्षात्कार हो गया है, अर्जुन तो भगवान को भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, शरणागत तो दूसरे अध्याय में हो गए थे, अब भगवान के अस्तित्व को समझ गए हैं और कह रहे हैं अब मेरा मोह दूर हो गया है। लेकिन अब यहाँ से जो डायलॉग है भगवान और अर्जुन के बीच में, अर्जुन अब जो आगे पूछ रहे हैं, वो हमारे लिए पूछ रहे हैं। अर्जुन का तो हो गया साक्षात्कार,
लेकिन हम कैसे समझे कि भगवान कृष्ण ही भगवान है? हम हमारे मन में अभी भी कई प्रश्न आते रहते हैं ना, हमेशा प्रश्न आते हैं कि हम कैसे समझे कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो अब भगवान उस रूप को दिखाएंगे जो उनको स्थापित करता है। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया जाता है, किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने के इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान का जो विराट रूप, अभी जो रूप दिखाने वाले हैं भगवान, भगवान अपने स्वयं को इसी रूप में, इस भौतिक जगत में, इस पूरी की सृष्टि में इसी रूप में आते हैं, इसी रूप में आते हैं। तो वही अर्जुन उनसे विनित भाव से पूछ रहे हैं कि आप किस रूप में इस भौतिक जगत में आते हैं, वो रूप में देखना चाहता हूं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, मैं समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। तो भगवान को ये नहीं पूछ बोल रहे हैं, भगवान को किसी तरह का चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि मुझे तो, आप तो भगवान हैं, लेकिन आप दिखाइए क्या है, क्या अपना रूप भी दिखाइए, ये नहीं बोल रहे हैं। विनीत भाव से बोल रहे हैं, क्या आप मुझे दिखला सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार प्रभुपाद जी बहुत ही साफ, उनका जो बोलने का तरीका था वो एक बार में ही समझ में आ जाता था। तो एक बार रिपोर्टर था, उसने पूछा प्रभुपाद जी से कि आप हर चीज को भगवान को, हर चीज में भगवान को ले आते हैं, हर चीज में भगवान को ले आते हैं, तो भगवान कहाँ है, कहाँ दिखते हैं भगवान, हमें तो नहीं दिखते, कहाँ दिखते हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी ने बोला रिपोर्टर को, भगवान हमारे नौकर नहीं है कि तुम जब बोलोगे कि वो आकर के तुमको अपना दर्शन कर दें। तो हमारी वो उस तरह की चक्षु होनी चाहिए, वो देखने की हमारी उस तरह का भाव होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या भाव होना चाहिए हमारा, तो हम जब तक ब्रह्मा जी बहुत सुंदर से समझाते हैं कि हम भगवान की, भगवान को अगर देखने का भाव है तो वो भाव कैसे आ सकता है, जब तक हम भगवान के प्रेम का, जब तक हम काजल नहीं लगाएंगे अपने इस भक्ति रूपी आंखों में। एक तो आंख भक्ति की, भक्ति रूपी आंख को हमारे उसके द्वारा हम भक्ति देख सकते हैं, ऐसा हमें आंख को विकसित करना है, और उसके जो, और उस आंख को उनके प्रेम से, उनके प्रेम के काजल से उसको सजाना है, ठीक है। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संतय सदैव हृदयो विलोकयन्ति, यानी प्रेम के काजल से हम प्रेम के काजल से और भक्ति के चक्षु से ही हम भगवान को देख सकते हैं। हम अगर कितना भी कोशिश कर लें, भगवान हमें नहीं दिखने वाले। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विष रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, उसने कृष्ण पर संदेह किया? ये आप लोग से प्रश्न है, आप लोग यस और नो में जवाब दीजिए। क्या उसने कृष्ण से संदेह क्यों दिखने के लिए विष रूप? अब तक तो उनका 10वें अध्याय में तो उनका मोह तो दूर हो गया, उनका मोह दूर हो गया, अब ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं भगवान को, क्यों क्या उनका संदेह था, क्या कारण है? जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ये कोर्स कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट कीजिए, नीता माता कह रही है हम लोगों के लिए, हम लोग के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं माता, क्यों संदेह कर रहे हैं? और आप लोग भाग लीजिए इसमें। वृशाली मेहता माता कह रही नहीं, विजय शर्मा जी कह रहे हैं नहीं, खुद पे विश्वास नहीं था, नितिन सुरेंद्र पारिक प्रभु जी कह रहे हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो अर्जुन को भगवान पे संदेह नहीं था,
वो खुद को खास मानता था, एक और है, वो खुद को खास मानता था कि भगवान उसे दर्शन दे दें या लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। इन तीनों में से आप बताइए, ए बी सी, कृष्ण पे संदेह था, वो खुद को खास मानता था, लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण। तो आप लोग अब तक समझ गए होंगे, सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हरि बोल, आप सबका हरि बोल, आप लोग उन्नत भक्त हैं, ठीक है। लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, बिल्कुल ठीक आप लोग के जवाब है। लेकिन इससे आगे भी, इसके आगे क्या है ये समझिए। तो भगवान अर्जुन को मालूम था कि इस आने वाले जो कलयुग में है, कई लोग बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, मैं परमेश्वर हूं। तो आज एक गूगल कीजिए तो ऐसे कई सेल्फ मेड गॉड गुरु बने हुए हैं, कई सेल्फ मेड गॉड हैं, ठीक है। तो भगवान अर्जुन को मालूम था कि इस तरह की अवस्था आने वाली है कलयुग में, कई लोग अपने आप को भगवान बोलेंगे, ठीक है। तो अगर वो भगवान बोलते हैं तो हमारे लिए अर्जुन एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर कोई भगवान बोले तो उन्हें बोलिए कि मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाइए, यानी अपना विराट स्वरूप दिखाइए। अगर वो विराट स्वरूप दिखाने में सक्षम नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। तो एक तरह से उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये पूरा अध्याय का रचना किया गया है कि अगर कोई कहता है भगवान है या परम है तो परम की क्या स्थिति है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास किया। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार प्रकार के देवी तथा विविध, अब भगवान अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं, बहुत सुंदर से तीन तीन चार पांच स्लाइड, 10 स्लाइड आने वाले हैं, भगवान के विराट रूप का दर्शन कीजिए। सिर्फ दर्शन करना है, ये सिर्फ टेक्निकल है और कुछ इसमें फिलोसफिकल जो है वो 10 स्लाइड के बाद है। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वालों रूप को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूप को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण, इसी समय मेरे से शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो वह ये विश्व रूप में दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, पिछले अध्याय में क्या कहे थे कि मुझे देवता और ब्राह्मण या महर्षि दोनों मेरे को नहीं समझ पाते। नम वे विदुम सुरगाणाम प्रभवम ना महर्षि, अहम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि जितने महर्षि हैं और देवता है वो मेरे से ही उद्भूत हैं, मेरे से ही आते हैं, इसलिए पिता पुत्र जो है कभी भी पिता को नहीं समझ पाएगा। अब उस चीज को तथ्य करके दिखाएंगे वो। उन्होंने बोला, अब अंदर वो देख, हम अब अर्जुन सभी देवताओं को अंदर देख पाएंगे, सभी ऋषियों को अंदर देख पाएंगे, भगवान के शरीर के अंदर, ठीक है। तो भगवान सैद्धांतिक रूप से ही सिर्फ इन्होंने नहीं बताया, अब तक 10वें अध्याय तक सिर्फ उन्होंने फिलॉसफी बताई, सैद्धांतिक रूप में अपने आप को परम के रूप में स्थापित किया। अब इस अध्याय में लेबोरेटरी लेकर के जा रहे हैं और अपना प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। देखो प्रैक्टिकल ऐसे होता है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो भगवान के आश्चर्यमय रूप को देखने, और यहाँ पे अंत में भगवान क्या, दो तीन चीज और निकल के आता है। एक जो है ये रथ में, वहां पे रथ में विराजमान है, अर्जुन को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो बैठे बैठे उस रूप को देख सकते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। और अंत में क्या बता रहे हैं कि तुम साधारण चक्षु से इस रूप को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। उसके लिए भगवान उनको दिव्य चक्षु दे रहे हैं, 3D चश्मा दे रहे हैं, ठीक है, दिव्य चक्षु दे रहे हैं ताकि भगवान को वो
देख सके। वो क्या है, क्यों ऐसा है, वो देखिए। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजम महे एवं मुक्त्वा ततो राजम महे योगवेशरो योगेश्वरो हरि दर्श्यामाशा पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो ये जो विश्व रूप है, जो आप थोड़ा सा चले चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, अब भगवान जो है अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था तथा अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक देवियां सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय तेजमय असीम तथा सर्वत्र प्राप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप को तेज की क्षमता कर सके। तो यही कारण से, क्योंकि ये जो भगवान अभी अपना रूप दिखा रहे हैं, ये रूप अर्जुन कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि आकाश में जो हजारों सूर्य का प्रकाश है उससे भी ज्यादा प्रकाशमान है। तो इसको तो सामान्य चक्षु से देखना बहुत मुश्किल है ना। इसी कारण से अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि देखी, दिव्य दृष्टि दी। और यहाँ पे जैसे क्या बताए थे कि मेरे से ही सारे देवता और महर्षि आते हैं। तो यहाँ पे सारे देवता, ये भगवान का पहला रूप है, विराट रूप। भगवान अभी और तीन रूप दिखाने वाले हैं इस अध्याय में। तो अभी क्या दिखा रहे हैं, पूरे शरीर में उनके देवता लोग हैं जो विभिन्न आभूषणों से सजे हुए हैं, और भगवान के वहां अनंत आंखें हैं, बहुत सारे आंख हैं, ठीक है, बहुत सारे नेत्र हैं। आगे देखिए भगवान और क्या क्या स्वरूप अपना दिखाते हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो आप अपने कैमरा, अपने घरों में अगर सीसीटीवी है या आपके ऑफिस में सीसीटीवी है, तो पूरे, अगर पूरे ऑफिस को देखना है तो चारों तरफ सीसीटीवी आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चारों तरफ और आपको कई टीवी और कई कैमरा लगाने पड़ते हैं, लेकिन अर्जुन क्या है, अपने सामने सारा ब्रह्मांड को देख रहा है, सारा ब्रह्मांड को अपने सामने देख रहा है ना। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करके करने के लिए मस्तक झुकाया और यह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो अब थोड़ा सा अर्जुन जो है, पहले तो आश्चर्यमय हो रहे हैं, बहुत आश्चर्य है, ठीक है, गंभीर हो गए, काफी शांत भी हो जाते हैं और उनके लेकिन भयभीत नहीं है, उनके रोम, पूरा रोम रोम खड़ा हो गया था, आह्लादित हो गया। आह्लादित मतलब प्रसन्नता नहीं, जिसको आपको बोलते हैं ना कि आह्लादित हो जाते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है, रोम रोम खड़े हो गए थे अर्जुन के, ठीक है, गंभीर भी हो गए थे। उनको लग रहा था, देखिए जिसके साथ मैं सखा के रूप में व्यवहार कर रहा था वो इतना परम है, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, वो अपने सामने प्रैक्टिकल देख करके वो अचंभित और आह्लादित हो रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंख देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। देखिए, ये दिव्य दृष्टि देने की बात, ये स्थिति है कि अर्जुन भगवान की अचिंत शक्ति को देख ही नहीं पा रहा। भगवान इसलिए कह रहे हैं अचिंत है। वो अचिंत का क्या मतलब है, जिसका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, एक दिव्य दृष्टि देने के देखने के बाद भी नहीं कल्पना कर सकते। वो भी किसको दिव्य दृष्टि दिया, भगवान के सबसे सबसे प्रिय सखा को दिया, वो भी नहीं देख पा रहे हैं अर्जुन को, जबकि दिव्य दृष्टि भगवान समीप खड़े हैं। तो हमारा चक्षु तो, आप सोचिए, हमारा चक्षु तो दोषों से भरा हुआ है।
आपके रूपों को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो यहाँ पूरे भगवान जो है, भगवान के पूरे देवी देवताओं को देख रहे हैं, जो सुसज्जित हैं, अपनी वेशभूषा पूरा आभूषणों से सुसज्जित हैं। आप परम आद्यशे गे वास्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आशय हैं, आप स्वयं तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो इसमें थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, और एक चर्चा का विषय है, सनातन धर्म के पालक हैं भगवान। सनातन धर्म का क्या मतलब होता है? सनातन धर्म का मतलब होता है कि वो धर्म जिसका ना आदि है ना अंत। बाकी जो हम देखिए, हमारा जो हमारा शरीर है और हमारा आत्मा है, जो आत्मा का क्या धर्म है? भगवान की सेवा करना। तो जो आत्मा का धर्म है वही सनातन धर्म। बाकी हमारा जो शारीरिक धर्म है वो कई धर्म हो सकते हैं, है ना। धर्म हमारा पुत्र का हो सकता है, धर्म हमारा पिता का हो सकता है, धर्म हमारा भाई का हो सकता है, धर्म हमारा बहन का हो सकता है, हमारे कार्य के तरफ हमारा कई धर्म हो सकते हैं। तो ये धर्म कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म जो भगवान ने दिया, यही धर्म, यही सनातन धर्म है, जो हमारा आत्मा का धर्म है, जिसका ना आदि है और ना अंत होता है। कब से आया? जब से आत्मा है तब से ये धर्म है, जब से भगवान है तब से ये धर्म है। क्या है धर्म? सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोक्षसे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। यानी हमारा आत्मा का, हमारा एक ही धर्म है, क्या है? भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति। लेकिन वो भक्ति कैसे करनी है? अहेतु की अप्रतिहता, यानी बिना कारण से और अखंड, ठीक है। यही सनातन धर्म है। दूसरे में क्या बता रहे हैं? आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। अब भगवान जो है अपना दूसरा रूप दिखाने वाले हैं, ठीक है, उसको कहते हैं काल रूप, ठीक है, काल रूप दिखाने वाले हैं भगवान अभी। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अब भगवान के भयभीत वाले, अभी तक तो विराट रूप था, विराट रूप में भगवान अपने देवी देवताओं को सुसज्जित रूप से दिखा रहे हैं। अब भगवान जो है अपना भयानक रूप दिखाएंगे, काल रूप दिखाएंगे। काल रूप कौन सा रूप है भगवान का? ये जो समय है, जो समय है जो एक बार चला जाता है कभी नहीं आता, ठीक है, इसके बारे में और आगे के दो स्लाइडों में हम पढ़ेंगे। हे महापुरुष, आपके इस उद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों के सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपसे आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो महर्षिगण और देवतागण सारे भयभीत हुए हैं कि क्या कारण से भगवान ने ये रूप दिखाया, ठीक है। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं के तरह मैं भी हूं। तो भगवान अब अपना काल रूप दिखा रहे हैं, जहां पे भगवान क्या भयानक रूप आ रहा है, भगवान के अनंत दांत, है ना, अनेक मुख नेत्र तो पहले थे, अब दांत भयावह रूप है। क्यों दिखा रहे हैं वो भी समझते हैं। पहले विराट रूप दिखाया, अब काल रूप दिखा रहे हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो अर्जुन जो है अब भगवान के इस रूप को जब वो दिखा रहे हैं, भगवान
भयंकर जो रूप दिखा रहे हैं उससे थोड़ा भयभीत हो रहे हैं। लेकिन इस भयंकर रूप में भगवान क्या दिखाएंगे वो अब देखिए। अभी तक तो उन्होंने विराट में क्या दिखाया था, अच्छी चीजें दिखाई थी, देवता महर्षि को दिखाया था। अब जो काल रूप है उसमें क्या दिखा रहे हैं? ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक ही समय में अलग अलग रूप दिखाया है, एक ही रूप में उन्होंने ये सब चीजें दिखाई। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शीरों को तो आप आपके दांतों से के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब भगवान के काल रूप में क्या देख रहे हैं? जितने कौरव सेना है ये सारा भगवान के दांतों के अंदर चूर्णित होते देख रहे हैं अर्जुन। सारे भगवान सब चूर्णित हो रहे होते देख रहे हैं। ठीक है, तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान भी नॉन वेज है क्या जो चूर्णित होकर के खा रहे हैं? तो भगवान अपना रूप दिखा रहे हैं, ये रूप दिखा रहे हैं और इस रूप के माध्यम से वो दिखाने का ये दिखाएंगे हमें, ये अर्जुन को बताने की कोशिश करेंगे। इस रूप दिखाने का भी उद्देश्य है। ठीक है, सब रूप जो दिखाएंगे, ये चार रूप दिखाएंगे। पहला रूप उन्होंने क्या दिखाया कि देवी देवता उनके अंदर है। तो अब तक वो जो कह रहे थे उन्होंने करके दिखाया कि उन्होंने कहा था ना मैं विदुम सुरगणा महर्षि ना प्रभव ना महर्षिया अन, तो मेरे ही अंदर मेरे से ही देवता और महर्षि आते हैं। उन्होंने वो चीज करके दिखाया। अब क्या दिखा रहे हैं? अब ये दिखाएंगे कि काल रूप में उन्होंने सारे लोगों को ऑलरेडी ऑलरेडी मार चुके हैं। ठीक है, वो दिखा रहे हैं कि ऑलरेडी ये सारे लोग जो तुम्हारे विरोधी दल में हैं सभी मारे जा चुके हैं। देखिए, ये आ गया भगवान का काल रूप। कलो अस्मि लोक शय कृत प्रवदो, भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का विनिष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो ये है भगवान का काल रूप। काल रूप कौन है? जिसको हम समय कहते हैं। ठीक है, तो समय से कोई नहीं बच पाता है, कोई कोई चीट नहीं कर पाता है, कोई उसको धोखा नहीं दे पाता है समय से। ठीक है, तो हम कितनी भी धोखा देने की प्रयास करें वो कभी ना कभी, क्योंकि भगवान जो है कल काल के रूप में हमें विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है, हमें सब कुछ देख रहे हैं। तो हम कुछ भी गलती करेंगे तो एज अ सीसीटीवी कैमरा अंदर लगाए हुए। एक छोटी सी कथा आती है, छोटी सी स्टोरी है, वो बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। काल का एक रूप है कि चीटिंग हम क्यों नहीं कर सकते, आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे, चाहे वो हम स्वयं से क्यों नहीं धोखा कर रहे हैं। एक बार क्या होता है, तीन दोस्त होते हैं, तीन मित्र होते हैं। तो तीन मित्र जो होते हैं बड़े घनिष्ठ मित्र होते हैं और स्कूल के मित्र होते हैं, तो कॉलेज के मित्र होते हैं। तो होता है क्या है कि परीक्षा आने वाला रहता है और तीनों जो हैं गणित से मैथमेटिक्स से बहुत भागते हैं। मैथ उनका कमजोर होता है, गणित बहुत कमजोर होता है, भागते हैं वो बहुत। तो एक बार क्या होता है कि गणित का परीक्षा आने वाला रहता है और ये तीनों तय करते हैं कि ये जो गणित का परीक्षा है इनको मैं नहीं दूंगा, ये तीनों उसको स्किप कर देना चाह रहे हैं, दोनों तीनों नहीं देना चाहते हैं क्योंकि डर लगता है गणित से। तो फिर ऐसा ही करते हैं वो लोग, गणित की परीक्षा नहीं देते हैं। तो अगले दिन जो डीन होते हैं बुलाते हैं तीनों को कि क्या बात है, तुम परीक्षा में क्यों नहीं आए? तो उसमें से एक जो रहता है मित्र, एक जो रहता है लड़का, वो कहता है कि सर मैं तो एक्चुअली हम तीनों एक अपनी बहन की शादी में गए थे, कजन सिस्टर की शादी में गए थे, और जब हमारा जिस गाड़ी से गए वो गाड़ी जब वापस आ रहा था तो गाड़ी का जो टायर है वो बर्स्ट कर गया, तो हमें इतने दूर से उस गाड़ी को धक्के लेकर के अपने घर लाना पड़ा कि हमारा सारा शरीर थक गया था। तो दोनों जो दूसरे थे दोस्त थे
हाँ में हाँ मिला रहता है। हाँ है, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। तो वो इस तरह करके बोला अच्छा। और इतना हमारा शरीर थक गया था कि अगला दिन जो है हमारा शरीर एग्जाम देने के लिए तैयारी नहीं हो पाया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो तीनों बड़े खुश हो गए कि चलो हमने डीन को समझा लिया, डीन भी मान गया। तो डीन बोलते हैं अच्छा तुमको हम मैं एक और ऑप्शन देता हूँ, तुमको अभी अलग एग्जाम देने के लिए अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन वो गणित का एग्जाम नहीं होगा। तो दोनों तीनों बड़े खुश हो गए कि चलो हमारा एग्जाम जो स्किप हुआ है वो दोबारा हमें देने का मौका मिल जाएगा और गणित भी नहीं रहे। तो बड़े खुश हो गए, बोला हाँ हाँ सर देने के लिए रेडी हैं। तो उनको बोले, उन्होंने बोला कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर में दो सवाल रहेंगे, उन दो सवालों का तुमको जवाब देना है। ठीक है, तो बोला ठीक है सर जवाब देने के लिए तैयार है। क्वेश्चन पेपर आता है, दो सवाल रहते हैं, सवाल क्या रहता है, तीनों को अलग बैठा दिया जाता है। सवाल रहता है आपका नाम, मेरा, आप अपना नाम लिखें, पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है आपकी कौन सी टायर बर्स्ट हुई, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, बैक लेफ्ट, बैक राइट। ठीक है, अब ये तो तीनों ने तय किया नहीं था। अब तीनों जो हैं अलग अलग बैठे हुए थे, ये तीनों अपना वो समझ गए कि अब हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीनों अलग बैठे हुए थे तो बचने का उपाय नहीं। तो ये मॉरल ऑफ, बस इतना ही है स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम कितना भी झूठ बोल लें अपने आप से, काल जो है वो हमें पकड़ करके लेकर के ही आएगा। कभी ना कभी उस चीज का उजागर होगा ही होगा। तो हम अपने से मिथ्या बोल सकते हैं, काल से नहीं मिथ्या बोल सकते। काल कौन है, वहां अपने भगवान यहाँ हमें स्वयं बता रहे हैं, कलो अस्मि लोकशय कृत प्रवदो, यानी मैं काल हूं और सबका विनाश करने के लिए आया हूं। अगर हम किसी तरह का धोखा देते हैं, किसी तरह का चीट करते हैं, वो कभी ना कभी वो पर्दाफाश होगा ही। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जीत्वा जीत्वा शत्रुं भुंज राज समृद्धम, मय मयि वेत निहिता पूर्वमेव, निमित्त मात्रम भाव सव्य साचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य को भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान ने पूरा अपना इस धैर्य को, इस अर्जुन को उन्होंने क्यों युद्ध कराया, ये पूरा इस श्लोक में बता दिया। क्या बताया है कि ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं, ये तो मरने वाले हैं, अगर तुम नहीं मारोगे तो ये अपने आप में लड़ के मर जाएंगे, क्योंकि मैं तुमको दिखा चुका हूं कि ये ऑलरेडी इनकी मृत्यु तय है। तुम उठो और इनको मारने के लिए श्रेय लो, इनको मारने के लिए श्रेय लो और श्रेय लेकर के अपना यश कमाओ। तो भगवान का बस एक ही उद्देश्य होता है, भगवान चाहते तो इसको तो स्वयं खत्म कर सकते थे इस युद्ध को, लेकिन अर्जुन को यश दिलाने के लिए उन्होंने किया, अपने भक्त को यश दिलाने के लिए वो ऐसा करते हैं। सिर्फ कोई भी भगवान अपने रूप में आप आ जाइए, अगर नरसिंह देव को जहाँ पूजन होती है, प्रहलाद महाराज के बिना नरसिंह देव की पूजा अधूरी है, भगवान राम है हनुमान जी के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन के बिना अधूरे हैं। ठीक है, जहां भी भगवान है उनकी भक्तों का यशोगान होता ही है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को यश दिलाते हैं। ठीक है, हनुमान जी को उन्होंने हर्ष दिलाया, यश दिलाया राम जी ने, भगवान राम ने, उसी तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को यश दिलाना चाहते हैं। सव्यसाचिन मैंने आपको पहले भी बताया, सव्यसाचिन का मतलब होता है कि अर्जुन जो थे वो बहुत ही कुशल धनुर्धर थे और वो दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे, उसीलिए उनको कहा जाता है सव्यसाचिन। द्रोणम च भीष्म जयद्रथ च कर्ण तथा अन्यपि योध विराम, मया हतास्तम जहि मया वितिष्ठा युधस्व जेतसि रणे संपातनान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो,
तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त। तो भगवान जो है सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त को यश दिलाने के लिए ये पूरी योजना उन्होंने की है ना। तो हमें क्या करना है, अर्जुन को भगवान को समझना है, भगवान की योजनाओं को समझना है। और वो योजना कैसे हम समझ सकते हैं, बिना गुरु के हम योजना नहीं समझ सकते। भगवान की योजना अगर हमें समझनी है तो हमें गुरु को समझना पड़ेगा, गुरु के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। ठीक है, भगवान हमें डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे प्रधानमंत्री से अगर मिलने जाना हो तो हमें कभी भी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम नहीं मिल सकते। तो अगर उनसे मिलना है, अगर वो हमारे से उनसे मिलना है, तो हम उनके सेक्रेटरी से मिलेंगे, उनके जो उनके नीचे के क्रम के लोग हैं उनके द्वारा ही हम उनसे मिल सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि वही हमारे प्रधानमंत्री के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो एक बार क्या होता है, कोई भी भगवान को जानने का प्रयास करता है गुरु के बिना, तो उसकी क्या गंतव्य होती है, वो छोटा सा एक और स्टोरी बताता हूँ आपको। एक क्या होता है, एक छात्र होता है, एक लड़का होता है जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता है, छोटा बालक होता है। तो बहुत चेष्टा करता है, क्योंकि गांव में रहता था, वहां कोई अच्छा वैदिक स्कूल नहीं होता है। तो एक गुरु होते हैं, बहुत ही प्रकांड विद्वान होते हैं। तो उनके पास जाता, बोलता है, गुरु मैं आपसे वेदों का शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं, क्यों लेना चाहते हो मेरे से शिक्षा? बोला, मेरे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है प्रभु, कोई आश गुरु कोई गुरुकुल नहीं है, तो मैं आपसे लेना चाहता हूँ, और आपका नाम बहुत है, मैंने सुन रखा है। तो गुरु बोलते हैं, ठीक है, उसकी सिंसियरिटी को देख के बोलते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें 12 वर्ष देने होंगे शास्त्रों का अध्ययन करने। बोला, गुरु मैं तैयार हूँ। तो शिष्य जो होता है वो गुरु से शिक्षा लेना शुरू करता है, और 12 साल में वो सारे 4 वेदों, 18 पुराण, इतिहास, सबका ज्ञान ले लेता है। ठीक है, और ज्ञान लेकर के जब ग्रेजुएशन का समय आता है, तो गुरु बोलते हैं कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का जो डिग्री देने का अलग प्रैक्टिस है, अलग तरीके का प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस है कि तुमने जितने शास्त्रों का अध्ययन करा है, ये पेड़ है, ये पेड़ के पास जा करके खड़े हो जाओ, और तुमने जितने शास्त्र पढ़े हैं, ठीक है, वो अगर तुमने वो शास्त्रों को उच्चारण करो, शास्त्रों को पढ़ो, और एक भी पत्ता अगर तुम शास्त्रों में दोष पाए जाएंगे तो ये इसके पत्ते गिरने लगेंगे। अगर तुम्हारे शास्त्रों का अध्ययन प्रॉपर नहीं है तो या कोई त्रुटि है तुम्हारे शास्त्रों में, तो पत्ते गिरते लग जाएंगे। जितने पत्ते गिरेंगे उतने त्रुटियां होंगी। ठीक है, तो फिर हम आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। तो बोले, ठीक है प्रभु। सबसे पहले उसी छात्र को बुलाते हैं, बोले, करो तुम। तो करते हैं वो, और लेकिन वो क्या करते हैं, भगवान भगवान को याद करते हैं और सारा शास्त्र बोल देते हैं, सारा पेड़ का पत्ता जो एक साथ ही झड़ के गिर जाता है। वो बड़े छात्र जो होते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, बोले, अरे ये क्या हो गया, मैं तो ठीक ठीक बोला। तो गुरु के पास डालते हैं, बोलते, देखिए ना गुरु, गुरुवार देखिए क्या हो गया, पूरा पेड़ का पत्ता ही गिर के नीचे गिर गया, टूट के नीचे गिर गया, क्या मेरे शास्त्रों में इतनी त्रुटि है? तो गुरु उनको बोलते हैं, तुमने कैसे क्या क्या किया? बोला, और किसको स्मरण किया? तो छात्र बोलता है, मैंने भगवान का स्मरण किया, देवी देवताओं का स्मरण किया, और सारे शास्त्र, मैं तो आपको मालूम ही है शास्त्र को ज्ञान, आपने भी पहले मेरी परीक्षा ले रखी है। बोला, हाँ तुम तो बहुत निपुण हो, लेकिन किया कैसे? बोले, मैंने भगवान को और सिर्फ देवताओं को स्मरण किया, लेकिन सारा पत्ता गिर गया। बोला, यही तुमने त्रुटि कर दी, भगवान तुम्हारा भक्ति कभी भी डायरेक्ट तुमने गुरु को याद नहीं किया। अगर हमारा हमने गुरु को या तुमने गुरु को याद नहीं किया, तो सारा तुम्हारा तुमने जो 12 साल अध्ययन करा है, वो उसमें उस अध्ययन में ही त्रुटि हो गई, इसलिए सारा पत्ता गिर गया। तो हम बिना गुरु को हाथ पकड़े हुए हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते।
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, तो फिर आपको सादा नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम श्रोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। तो हम 15 के 15वें श्लोक में पढ़ेंगे, सर्वस्व चाहम हृदि सन्नविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च। यानी भगवान को भगवान बताते हैं, वेदों का जानने का लक्ष्य भी मैं हूँ, वेदों वेद को बोलने वाला भी मैं हूँ। तो यहाँ वही अर्जुन बोल रहे हैं, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, हे संपूर्ण दिश जगत, आपसे व्याप्त है। तो भगवान की महिमा मंडन कर रहे हैं अर्जुन। पूरे 35 से लेकर के 38 श्लोक तक हमने जो भी पढ़ा अभी, भगवान की परम भगवान परम है, उस तत्व को स्थापित दोबारा कर रहे हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको यह कृष्ण है यादव। अब भगवान जो है अपना अपना द्विभुज रूप में आएंगे। सखा जैसे संबंधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते या बैठे, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो भगवान का भक्त भी भगवान को एक सामान्य रूप से भगवान के साथ खेलता है, मित्र के रूप में भगवान के साथ खेलता है, जैसे अर्जुन एक सखा के रूप में खेलते थे। ठीक है, माता यशोदा पुत्र मानती थी, चाहे वो उनकी कितना भी रस्सी बांधने का प्रयास करती रही, वो 2 फीट जो रस्सी है वो हमेशा छोटी पड़ती गई, लेकिन माँ यशोदा कभी नहीं समझ पाई कि वो भगवान परम भगवान है। वो तो जो भगवान के भगवान अनंत रसों में अपने भक्त के साथ वही रस में आदान प्रदान करते हैं जिस रस में वो भक्त उनसे चाहता है। तो अर्जुन किस रस में था? साख्य रस में था, यानी दोस्त सखा के रूप में था। तो भगवान उसके अभी वो माफी मांग रहा है भगवान से कि देखिए, मैं आपको सखा के रूप में यादव कह के बुलाता था और आपको एक सामान्य रूप में समझता था। आप तो अनंत कोटि वैश्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है ना। तो यहाँ एक असुर भी भगवान को सामान्य पुरुष समझता है और एक भक्त भी समझता है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? भक्त जो है प्रेम से उनको सामान्य रूप में समझता है, और जो एक असुर है वो ईर्ष्या से, जो द्वेष से, जेलसी से भगवान को एक सामान्य रूप में समझता है। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो भगवान से अब वो अपने विनती कर रहे हैं कि आप अपने पुनः स्वरूप में वापस आ जाइए, मुझे बहुत, मैं डर रहा हूं, भयभीत हो रहा हूं। भगवान अब अपना रूप दिखाए। ये चतुर हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुजा भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप, ये चतुर्भुज रूप में भगवान सब सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप में आएंगे। ठीक है, तो रूप का दर्शन करना चाहता है जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। जो नारायण का रूप है, भगवान विष्णु नारायण का रूप, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने, अब भगवान ये कह रहे हैं कि अभी अभी अर्जुन ने क्या भगवान से विनती की कि नहीं, आप भगवान मुझे पुनः अपना स्वरूप दिखाइए, वो चतुर्भुज स्वरूप जो है भगवान का, जिसमें एक
शंख चक्र गदा और तब और पद्म धारण किए हुए रहते हैं भगवान विष्णु का जो नारायण स्वरूप है, ठीक है ना, वो आप दिखाइए पहले। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, भगवान ने क्या बोला इसके बाद, वो बोला कि ये विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो वेदाध्यन के द्वारा ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान को देखने का क्या तरीका है अभी आगे भगवान बताएंगे। भगवान यहाँ बता रहे हैं क्या नहीं तरीका है, कि हम अध्ययन के द्वारा नहीं देख सकते भगवान को, है ना। वेदाध्ययन अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे और भगवान को हम उन शास्त्रों का अध्ययन के द्वारा हम भगवान को देख पाएंगे, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शास्त्र क्या है, शास्त्र के द्वारा हम सिर्फ भगवान को जान सकते हैं कि भगवान कितने महान है, लेकिन शास्त्र को जानने पढ़ने के बाद भी अगर हमारे को हमें भगवान के प्रति अनुरक्ति नहीं होगी तो वो शास्त्र का अध्ययन हमारे लिए विफल है। भगवान बताते हैं, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान अब अपना स्वरूप दिखाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप दिखाएंगे। अभी तक दो स्वरूप हमने देखा, विराट स्वरूप, काल स्वरूप, अब भगवान क्या दिखाएंगे, चतुर्भुजी स्वरूप दिखाएंगे। देखिए, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो भगवान पहले चतुर्भुज नारायण के रूप में आए और इसके बाद खुद स्वयं दो भुजा रूप कृष्ण के रूप में आए। बहुत लोग पूछते हैं ये दोनों रूप में फर्क क्या है, भगवान तो ये दोनों कोई दोनों भगवान है, भगवान अपना स्वरूप है। ये उनका चतुर्भुज नारायण बोलते हैं विष्णु, ठीक है। तो अब जैसे समझिए, इसको समझने का एक और तरीका, भौतिक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको, कि किसी के पिता अगर पुलिस में होते हैं, ठीक है, तो पिता अगर पुलिस में होते हैं एक बच्चे का, तो अगर वो पिता को उनके ऑफिस में मिलने जाता है तो किस रूप में उनको पिता मिलेंगे, एक पुलिस के रूप में ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वही पिता अगर वो घर आते हैं तो उन किस रूप में मिलेंगे, एक पिता के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो वही रूप है, भगवान का जो विष्णु स्वरूप है वो भगवान का ऑफिस वाला स्वरूप है, जो अभी मैंने आपको बताया पिता का ऑफिस का स्वरूप है। और वही पिता जब घर में आते हैं, जब बच्चा पिता के गोद में भी बैठ जाएगा, पिता के कंधे पे भी चढ़ जाएगा, पिता से गले भी लग जाएगा, ठीक है, वो भगवान का कृष्ण का रूप है। लेकिन वही कार्य वो विष्णु के साथ नहीं कर सकता, ऑफिशियल रूप में नहीं कर सकता, वो अपने पिता से ऑफिस में जा करके उनके गोद नहीं चढ़ सकता, उनकी पीठ पे नहीं चढ़ सकता। तो ये है दोनों स्वरूप का अंतर, दोनों ही भगवान है, का स्वरूप अलग है। जब अर्जुन ने कृष्ण के उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो देवता ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब भगवान स्वयं आए थे देवकी के गर्भ में, देवकी माता के गर्भ में, तो सारे देवता स्तुति कर रहे थे, भगवान के आने का इंतजार कर रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं देवता गण भी जो मेरा आने को तरस, मेरे स्वरूप को, इस स्वरूप को देखने के लिए बहुत ही तरसते हैं, उनके लिए भी दुष्कर है ये रूप को देखना, ताक में रहते। ये अब भगवान अपने आप को दिखाने का, भगवान को समझने का क्या तरीका, भगवान को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बताते हैं भगवान। भक्त त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुन तत्वेन प्रवेशुन प्रवेशुन च परम तपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं,
और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम भगवान को देख सकते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है भक्ति, भक्ति का आध्यात्मिक आध्यात्मिक इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ हमें समझा रहे हैं कि हम गीता को अगर हमें समझना है या भगवान को अगर हमें समझना है, तो हमें कोई भी और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कौन हो सकता है? किसी भी मनोकल्पना कोई विद्वान ने अगर लिख दिया है तो वो इंस्ट्रूमेंट आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक इंस्ट्रूमेंट कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, वो हमारी भक्ति डेवलप करेंगे, वो हमें वैदिक नियमों वैदिक विधानों वैदिक वैदिक भक्तियों का नियमों का पालन करना सिखाएंगे, और वो पालन करते 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 हमारे भगवान में अनुरक्ति आएगा, और फिर हम उस इंस्ट्रूमेंट से भगवान को हर तरफ देख सकते हैं। ठीक है, हर तरफ महसूस कर सकते हैं। मत क्रम कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडवः। दोबारा पढ़ता हूँ इस श्लोक को। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश मुक्त होकर, देखिए एक और बता रहे हैं, पहले उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बताया, वो इंस्ट्रूमेंट की और क्या इंस्ट्रूमेंट है? सिर्फ हम आध्यात्मिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है, और वो आध्यात्मिक कैसे प्राप्त होगा? जिसने सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त हो गया है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान यहाँ कुछ कुछ क्राइटेरिया बता रहे हैं, कुछ कुछ योग्यता बता रहे हैं कि भगवान को अगर समझना है देखना है तो ये बहुत अच्छे श्लोक हैं। ठीक है, तो भगवान को देखने का क्या तरीका है? भगवान को देखने का यही तरीका है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो भगवान के लिए अर्पित कर दें, सभी कल्मशों से मुक्त हो जाएं। कल्मश मतलब जितने हमारे भौतिक कल्मश हैं, ठीक है, उन कल्मशों से मुक्त हो जाएं। संग वर्जिता मतलब जो हम संग करते हैं, हम जिनके साथ उठते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, ठीक है, वो संग क्या होना चाहिए? हमारे तो का संग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो संग है उसको छोड़ दें, उनको कर्तव्य के द्वारा निर्वाहन करें, लेकिन उनके साथ जो प्रजल्प करते हैं, जो समय का व्यर्थ नाश करते हैं, वो हमारी भक्ति में हमारी प्रगति भक्ति की प्रगति को रोकती है। ठीक है, तो छह चीज बताते हैं रूप गोस्वामी पाद, छह चीज बताते हैं कि ये जो छह चीज है उसमें से एक जो है जनसंघ को बताते हैं, मतलब छह चीज वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रजल्प है। जो गॉसिपिंग हम करते हैं उसको बंद करना होगा। गॉसिपिंग बंद कैसे कर सकते हैं? गॉसिपिंग तभी बंद कर सकते हैं जब हमारा जनसंघ प्रॉपर, हम संघ जो है वो हमारा प्रॉपर हो। ठीक है, हम भक्तों के संघ में रहें तो हमारा अपने आप ही प्रजल्प बंद हो जाएगा, गॉसिपिंग बंद हो जाएगा। ये हमारे भक्ति में बहुत हमारा पतन लेके आता है जनसंघ। निर्वैर मतलब हम भगवान से द्वेष नहीं, किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता। प्रहलाद महाराज को कितना भी उन्होंने प्रताड़ना करवाया उनके पिता ने, पर वो किसी से द्वेष नहीं किए। जीसस क्राइस्ट कितनी भी उनको तकलीफ दी, वो तो भगवान के मैसेंजर, गॉड ऑफ द मैसेंजर ऑफ द गॉड कहे जाते हैं, भगवान के भक्त हैं और भगवान के बहुत बड़े प्रचारक, भगवान के संदेशों का। ठीक है, तो वो उनको कितनी भी प्रताड़ना दी गई, लेकिन वो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं किए। तो हमें कैसे ये भक्ति की शुरू कैसे करनी है? भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? तो 5 से 6 बजे चैंटिंग कीजिए। टेंपल का लिंक है, टेंपल का लिंक आज मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ।
ठीक है ना, वो लिंक में आइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्तों के संग में चैंटिंग कीजिए, ये सबसे पहला स्टेप है। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं? भगवान को क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए? नहीं। कार चाहिए? पैसे चाहिए? भगवान ये सब कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? या घर चाहिए? भगवान को कुछ नहीं, भगवान सिर्फ हमारा हृदय चाहते हैं, सिर्फ हमारा प्रेम चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्तिया उपरीतम अश्नामि प्रयतात्मना। सिर्फ मुझे पत्र दे दो, फूल दे दो, पुष्प दे दो, जल दे दो, लेकिन हृदय से देना है। सिर्फ मुझे हृदय दे दो, मुझसे हृदय से प्रेम करो। ठीक है, सारांश यह है स्वामी प्रभुपाद के, क्या इस अध्याय के बारे में क्या कहते हैं। सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ का भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। तो हमें ये समझ में आ गया कि भगवान ही सारे स्वरूपों के उद्गम है। ठीक है, इस अध्याय में भगवान अपने सारे स्वरूप दिखलाते हैं, और अंत में भक्त को कौन सा स्वरूप अच्छा लगता है? अर्जुन सारे स्वरूप से भयभीत हो जाते हैं, मुझे वही स्वरूप दिखाइए, अपने दोबारा वही स्वरूप में आ जाइए। तो भगवान कभी भी भक्त भगवान का कोई विराट रूप देखने के लिए कभी भी मनन नहीं करता, कभी भी इच्छा नहीं करता। भक्त को तो भगवान का वही वो द्विभुजा रूप भगवान को उसी में उसकी वो वही रूप उनको पसंद है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु के की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। तो मैं आपसे बता रहा था, ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप में प्रति आसक्त है, वह सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं। तो बताया था आपको, और कुछ भी नहीं देख सकते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतय सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो हम भगवान का भक्त जो है सिर्फ प्रेम के चक्षु से और प्रेम के अंजन से और भक्ति के चक्षु से भगवान को देख सकता है। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण को का रूप ही सर्वोपरि है एवं परमसार है। तो भगवान का जो रूप है उसी रूप वो सभी रूपों का उद्गम है। मतलब विराट रूप भी उन्हीं से आता है, विष्णु रूप भी हमने आज देखा चतुर्भुज वो भी उनसे आता है। ठीक है, और भगवान तो स्वयं है ही द्विभुजा रूप। तो कृष्ण जो है भगवान वो सभी रूप के उद्गम है। एते चांशकुला पुंशा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ठीक है, भगवान सिर्फ कृष्ण है और बाकी उनके जितने स्वरूप हैं वो भगवान अवतार, भगवान अवतारी हैं, बाकी सारे उनके अवतार। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समापन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी आपने जैसे वो काल रूप बताया था ना भगवान का, और आपने बताया भी था, मैं समझ थोड़ा सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ पाया कि वो जैसे सब भगवान के उसमें काल मतलब समा जाते हैं उनके, मतलब वो सब कौरव और सब उनके जा रहे हैं, वो उनको समझाना चाह रहे हैं कि मतलब तुम विचलित ना हो, तुम कर्म करो, ये तो मारे ही जा चुके हैं और मेरे मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, तुम नहीं मारोगे तो ये वैसे ही भी मरेंगे आपस में लड़ झगड़ के। तो मेरा यही थोड़ा सा वो समझ में नहीं आया कि जैसे उनके मुंह में जा रहे हैं मतलब, तो वो मतलब चूरित कर रहे हैं उनकी हड्डियों को, तो भगवान वही वाला मतलब अटक रहा है कि भगवान वेजिटेरियन है तो ऐसा कैसे? गुरुजी आप क्लियर करो। गुरुजी अभी बताया था लेकिन भूल गया।
प्रभु भगवान खा नहीं रहे हैं, वो हमें ऐसा लग रहा भगवान खा रहे हैं, भगवान खा नहीं रहे हैं, भगवान उनको संकेत मात्र से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इसको चूर्णित, ये तुम ऐसे ही मरने वाले, चूर्णित का मतलब है वो एक संकेत दे रहे हैं भगवान अर्जुन को कि ये तो मर, इनको तो मैं मार ही चुका हूँ, ये तो मरने वाले हैं ही, चाहे तुम मारो या ना मारो, ये मरने, ये संकेत संकेत दे रहे हैं ये मरने वाले, ये नहीं कि उसको उनको खा रहे हैं, खाने का खाने खाने से कोई ये नहीं है, ये चूर्णित करने का मतलब है कि इनको वो मार रहे हैं, ये मरेंगे ही, क्यों? क्योंकि जो काल रूप है भगवान को, वो काल का रूप, जो भगवान का रूप है, वो सिर्फ और सिर्फ विनाश करने के लिए आते हैं। तो भगवान का ये अपना काल रूप भी दिखाया उन्होंने कि मैं विनाश करने के लिए यहाँ हूँ बैठा हुआ, ये तुम नहीं मारोगे तो ही मरेंगे किसी तरह। तो ये प्रभु जी जो ये प्रलय होती है तो उस समय ये भगवान काल रूप ले लेते हैं क्या, प्रलय जो होती है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो जो कल भगवान का जो कल कली अवतार अभी जो आएंगे आने का है जिनका, वो तो काल रूप में ही सबका संहार करते हैं, उनका तो काल रूप ही है बिल्कुल। वो किस रूप में प्रलय आता है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो अभी कलयुग का जो अंत है वो तो काल का रूप ही है। अच्छा, और एक गुरु जी ये जरा सा हम बार बार भूल जाते हैं कि कौन सा वो मतलब नेत्र बताते ना, अंजन, अंजन मतलब भक्ति से उपमा दी गई है, भक्ति का अंजन हो या प्रेम का अंजन हो, ये जरा प्रेम, प्रेमांजन छुरिता भक्ति, प्रेम का अंजन होना चाहिए, प्रेमांजन, प्रेमांजन छुरिता मतलब प्रेम का काजल होना प्रेम चाहिए, का काजल हो और भक्ति की चक्षु होनी चाहिए। अच्छा, भक्ति की चक्षु, भक्ति का नेत्र, निगाह, भक्ति की निगाह से देखिए भगवान को पा सकते हैं ना, उसी की से हम भगवान के निकट पहुंचे पाएंगे, प्रेम का अंजन हो और भक्ति की निगाह, भक्त भक्ति की हमारे, ठीक है गुरु जी। ये जो वो था, ये जो बताया गया था, ये ब्रह्म संहिता में बोला गया है क्या गुरु जी? ब्रह्मा जी ने बोला था। अच्छा, ब्रह्म संहिता में, ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरु जी। शंकर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले मैंने हैंड रेज किया था। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, आपका मिस हो गया, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, मेरी ये पहली कंप्लेंट है। अच्छा अच्छा, ठीक। नंबर दो, ये मेरे को बताइए अनन्य भक्ति क्या होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, थोड़ा ब्रॉडली बताइए, हमारे को कम लेवल के है ना, हमारे को समझ कम आती है, अनन्य भक्ति क्या होती है, इसमें क्या क्या आता है, कीर्तन आता है, जप आता है, क्या आता है इसमें? सबसे पहला जप आता है प्रभु जी, जप आता है, ब्रॉडली ब्रॉडली बताइए, ब्रॉडली आप समझिए, अनन्य भक्ति, अनन्य का क्या मतलब होता है, जिस भक्ति से हमें कोई अपेक्षा ना हो, ठीक है, हम जिस उद्देश्य से भगवान को पूज रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होना क्या चाहिए, सिर्फ भगवान की भक्ति होनी चाहिए, हमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, ठीक है, वो होती अनन्य भक्ति। और उसका सबसे पहला स्टेप है, जो स्टेपिंग स्टोन जहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो होता है भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप से स्टार्ट होता है, सिंपल है, जप से स्टार्ट होता है। और जो हमें गुरु वेदी भक्ति के नियमों नियम देते हैं, पहले तो सबसे पहले जप होता है, फिर भगवान का आरती करना, मंदिर जाना, एकादशी व्रत का पालन करना, ये कुछ नियम है, तीन चार नियम है, जो स्टेपिंग स्टोन जिसको बोलते हैं ना, स्टार्टिंग के जो स्टोन है। तो जब हम भगवान के इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो हमें अपने आप ही भगवान में एक ना एक टाइम पे अनुरक्ति आने लगेगी, अगर हम डिसिप्लिन से वो नियमों का दृढ़ता से पालन करते रहेंगे तो अपने आप ही भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम विकसित होने लगेगा, ऐसा गुरु बताते हैं, यही गुरु हमें इस इन मार्ग यही मार्ग देते हैं, ठीक है, ये कुछ शुरुआत शुरुआत के, और वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सबसे तीन चार पॉइंट बहुत मुख्य है, जप करना, भगवान के मंदिर जाना,
शास्त्रों का अध्ययन करना, और चौथा जो सबसे प्रमुख है वो भक्तों का संग करना, चाहे वो ऑनलाइन कर सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं, कैसे, ये चार चीजें सबसे प्रमुख है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सरिता माता जी प्लीज। हरे कृष्णा माता बोलिए प्लीज। प्रभु जी मेरा कोलिजन के वजह से छूट गया प्रभु जी, देखिए आप यूट्यूब पे भेज सकते हैं। हाँ लिंक आएगी, लिंक आएगी आपके पास, अभी तक तो कुछ अपडेटेड शायद 2 दिन पुरानी लिंक आ चुकी होगी, लिंक आ जाएगी, सारी लिंक आ जाएगी, इसमें लिंक सारे आ जाएंगे आपको, वीडियो के लिंक भेज दीजिएगा प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। रियल मी, अपना नाम लिखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक सवाल था कि मतलब मैं चैंटिंग के लिए अभी फिलहाल माला जप नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा गैजेट मैंने ऑनलाइन लिया था तो उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सर प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि मतलब माला का इस्तेमाल करूँ, तो उसके लिए क्या नियम है, मतलब कुछ कोई नियम नहीं है, क्या है? कुछ भी नियम नहीं है प्रभु जी। हाँ मतलब तो सर उसको मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल चीजें रखते हैं वैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे कि मानती है कि मतलब तुलसी माला जब पहनते तो कुछ नियम वगैरह होता है तो, नहीं नहीं अब तुलसी माला पहनना और जप करना दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे ये जप जप बीट बैग हो गया ये, आपको इनको आप शुरू में नीम की माला ले लीजिए, ठीक है, तुलसी की माला लेने की जरूरत नहीं, और इसकी बिट जब शुरू कर दीजिए, जब करने के लिए कोई नियम नहीं है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काल, स्मरण करने का भगवान का स्मरण करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन नीम की माला ले लीजिए और कभी भी आप इसको माला कर सकते हैं, भगवान की चैंटिंग कर सकते हैं, अपने नियम अपने समय के अनुसार कभी भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए सुबह सुबह करें, और जब जब भी हम चैंटिंग करें डिस्टरबेंस ना हो, बस ये कोशिश कीजिए, मोबाइल को दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल ये सब का कुछ भी थोड़ा सा भी साउंड से हम बहुत तुरंत विचलित हो जाते हैं ना, कि किसका SMS आ गया, किसका वो आ गया, किसका ये आ गया, तो शुरू कोशिश कीजिए कि सुबह के समय अगर कर लें तो इन सब चीजों से दूर रहते हैं थोड़ा सा, है ना, कोई नियम नहीं है प्रभु, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब सुबह को ही होता है क्योंकि मेरा ऑफिस भी मॉर्निंग शिफ्ट में रहता है, तो मैं ऑफिस में ही कर लेता हूँ जब भी मतलब कोई शांत होता है तो उससे वक्त, इसीलिए तो क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर माला वगैरह ले लूंगा तो फिर उसका भी कुछ नियम होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं कोई नियम नहीं है, आप नीम की माला लीजिए, बिल्कुल आप एक जब एकदम शुरू कर दीजिए, कोई नियम नहीं है प्रभु, बिल्कुल कोई नियम नहीं एकदम। बाकी सर गैजेट वगैरह उससे अगर कोई मतलब उससे करने से भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नहीं, किसी तरह आप किसी तरह का जब करें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, बस क्या होता है माला में, क्या होता है माला हमें रेगुलेट करता है, हमें मालूम है कि ये 108 बीट की माला है, तो अगर हम 108 इसको करते हैं गिनते हुए करते हैं तो 108 माला हो जाता है, बाकी कोई भी गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी उसमें कुछ मिस होने का चांस रहता है, बाकी आप किसी चीज से भी कर सकते हैं, हाथ में भी कर सकते हैं, ऐसे करने के लिए कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना कि एक माला का क्या मतलब है 108 बीट करना, तो ये बीट से करने से हमें आसानी होता है, हमें मेमोरी में रहता है, हमें करने में याद रहता है, बस ये रेगुलेट कर पाते हैं हम अपने चैंटिंग को, ठीक है, तो बस और आप किसी चीज से कर सकते हैं, कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं, जैसा भी चाहे कर सकते हैं, रेगुलेट करना है अपने आप को, नियम में लेके आना है, तो चैंटिंग एक अच्छा बीट से करना बहुत अच्छा रहता है। रौनक चौधरी प्रभु, हरे कृष्ण। अभी जितने चैट बॉक्स में सबका प्रश्न लूंगा, आप लोग सब रहिएगा प्लीज, थोड़ा एक एक करके लेता हूँ, एक प्रभु अभी नाराज हो गए थे उनका, अगर मैंने चैंटिंग प्रभु जी प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण
हाँ जी, हरे कृष्णा। मेरा नाम रौनक है और मुझे ये पूछना था कि पीरियड्स में भक्ति कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी इस पर डिस्कशन हमेशा चलता रहता है कि करना चाहिए कि नहीं, बट मतलब मन साफ रहता है ऑब्वियसली, बहुत सारी थ्योरीज है उसके पीछे। तो मुझे ये क्वेश्चन था कि मतलब जप करना है जैसे हरे राम हरे कृष्णा, तो वो चैंटिंग और वो सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? माता निर्भय होकर के कीजिए, बिल्कुल कोई इसमें अगली बार से आपके मन में प्रश्न भी नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, बस दोबारा आपको रिपीट, इसमें मैंने पहले भी चर्चा किया था कि चैंटिंग करने के लिए कोई नियम नहीं है, आप किसी भी अवस्था में आप चैंटिंग कर सकते हैं। केवल और केवल आप उस समय काल में जो है वो सिर्फ भगवान के अपने जो अपने घर में मंदिर बना के रखे हैं या फिर जो भी अपने तस्वीर रखे हैं भगवान की, उसका स्पर्श नहीं करना है और भोग नहीं अर्पित करना है। ये दो चीज के अलावा आप सारे कार्य कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं माता जी, निर्भय होकर के, कोई इसमें अच्छा, कोई दोष पालन। अच्छा, और एक और चीज थी जैसे कि मेरी फ्रेंड ने एक कथा रखी थी घर पे, तो वो लोग शायद मानते होंगे, उन्होंने मतलब कथा में प्रसाद भी नहीं पहुंचाया जब उसको पता चला कि पीरियड्स मेरे चल रहे हैं, तो कि प्रसाद का मतलब टच हो जाएगा या ऐसा कुछ, तो वो क्या सही है या गलत, वो भी जानना था। नहीं माता, प्रसाद सबके लिए है, हम सिर्फ भोग अर्पित नहीं कर सकते, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, इसके अलावा हमको प्रसाद के अलावा तो भक्त कुछ खा ही नहीं सकता। माता, हमारी माताएं सारी जो डिवोटीज होती हैं वो तो कुछ प्रसाद के अलावा कुछ खाती ही नहीं है, वो तो बाहर का कुछ खा ही नहीं सकती, तो ये सब नियम नहीं है माता, ये बिल्कुल इस मन से निकाल दीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमें प्रसाद ही ग्रहण करना है, भगवान का प्रसाद ही, नहीं तो क्या भगवान तीसरे अध्याय में क्या बताए हैं, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा पचन्ति आत्म कारणात्। अगर हम भगवान का प्रसाद यज्ञ में चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाते हैं तो पाप खाते हैं। तो सिंपल, भगवान ने रूल बना दिया है, अब रूल हम अपने हिसाब से नहीं कुछ बना सकते। आप बिल्कुल प्रसाद का ग्रहण करिए, क्योंकि अगर प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं तो पाप खाते हैं, ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी अब चैंटिंग इसका ले लेते हैं, इनका चैट में किनका किनका था। डॉक्टर माता का है, डॉक्टर शिल्पा माता है कि चली गई। प्रभु जी, व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप द बाल रूप ऑफ कृष्णा? आई डोंट नो माता जी कि क्यों पूछते हैं बाल रूप। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने पुत्र के रूप में भगवान को पूज रही हूँ, ऐसा लोगों का मानना है, बाल स्वरूप को पूजते हैं। लेकिन शास्त्र में ऐसा कह रहे हैं कि हम भगवान का रूप हम नहीं चुन सकते, हम भगवान के प्रति अनुरक्त होते हैं तो भगवान हमें वो अपना रूप देते हैं कि इस रूप में आप पूजो, तो हमें डिसाइड नहीं करना, करने का कुछ भी कर सकते हैं आप, बाल रूप को पूजने में कुछ इशू नहीं है, बिल्कुल पूज सकते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि हमें भगवान को एक पुत्र के रूप में मान करके पूज सकते हैं, यही कारण होता है कि बाल रूप को पूजते हैं, परंतु हमें सिर्फ और सिर्फ उनको भगवान के रूप में पूजना है शुरुआती दौर में। फिर हमें भगवान पे जिस रूप में प्रेम होता है वो उस रूप में आप पूजिए, उसमें कोई नहीं है। तो मेन कारण है माता बाल रूप में पूजने का कि वो पुत्र के रूप में लोग पूजना चाहते हैं बस। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? अगर किसी का प्रश्न मुझसे मिस हो गया तो आप हैंड रेस कर सकते हैं।
फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल क्या उनका प्रश्न है? Why God has chosen India to be born? Brilliant Mataji, very good question. बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि ये पुण्य की धरती है भारत, ठीक है? और शास्त्रों में भी वो मुझे श्लोक स्मरण नहीं आ रहा है जहाँ पे महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम सारे लोग जो इस धरती पे जन्म लिए हैं वो सारे बहुत ही पुण्यवान लोग हैं। और शास्त्रों में ये वर्णन है कि जो इस धरती पे जन्म लेता है वो बहुत ही उन्होंने पुण्य किया है पुराने जन्मों में। तो क्यों भारत? क्योंकि ये पुण्य की धरती है, ठीक है? यहाँ पे ये पुण्य का स्थल माना जाता है शास्त्रों में, इसलिए भगवान ने चुना। और ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ भारत में ही आते हैं इस भौतिक जगत में, अभी भगवान की पूरे ब्रह्मांड में, कई ब्रह्मांड है ना, सैकड़ों ब्रह्मांड है, तो किसी ना किसी ब्रह्मांड में कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, कहीं ना कहीं भगवान की हर समय लीला चलती रहती, हर समय लीला चलती रहती किसी ना सैकड़ों ब्रह्मांड में, कई कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं, हर कहीं भी लीला चलती होगी। और इंडिया इसीलिए है क्योंकि ये बहुत पुण्य की धरती मानी जाती है, क्योंकि यहाँ शुरू से ही भक्तों का वास रहा है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा आनंद मनाते हैं, अपने भक्तों के साथ रहना पसंद है, इसलिए इंडिया भारत। संजय ने भी भगवान भास्कर प्रभु का विश्व रूप का दर्शन किया था, बिल्कुल, क्योंकि उनको भी व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी थी ना, तो शिष्य थे ना। जुगल प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी हमारा ये भगवद गीता फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल जाने के उसे विधि बताएंगे। प्लीज आप क्विज कीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब लोग लेवल टू में आइए, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक मिलेंगे आपको, अपने क्विज अटेम्प्ट कीजिए, क्विज को प्रॉपरली क्विज कर लीजिए। और ये जब 18 दिन की गीता समाप्त हो जाएगी तो उसके 2 दिन के बाद आपको या नेक्स्ट डे ही आपको एडमिन की तरफ से लिंक आ जाएगा लेवल टू में रजिस्ट्रेशन का, लेवल टू में रजिस्टर कीजिए और अपने जो क्विज आपने कर रखा है वो उससे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा आपका, उस सर्टिफिकेट को वहाँ अपलोड कीजिए और वहाँ अपने अपने समय के अनुसार आप वो लेवल टू ज्वाइन कर लीजिए, बस सिंपल है। हर एक लेवल में आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, उस परीक्षा के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। विनीता वनीता माता कह रही, चैंटिंग मन में करें या बोल बोल कर? बिल्कुल बोल बोल कर माता जी, ताकि आपकी सारे पूरा आपके कान सुन सके, बिल्कुल बोल के कीजिए, इतना वाणी होना चाहिए कि आप सुन सके, मन में नहीं, कुछ भी नहीं मन में नहीं। क्विज सारे लोग कीजिए, ठीक है? और किसी का हैंड रेज है, ठीक है, हैंड रेज ले लेते हैं, तो हो गया सभी छात्रों में, ठीक है, फिर चलते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो कल बहुत सुंदर कथा अध्याय आने वाला है और भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति का अंत 12वां अध्याय है, जहां अर्जुन एक बहुत नए तरीके से एक प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न को समझिएगा और उसका उत्तर भगवान बहुत अच्छे से देते हैं। वो प्रश्न क्या है वो कल आपसे चर्चा होगा, बहुत सुंदर प्रश्न आएगा और वो प्लीज आपका प्रश्न है क्या सुधीर प्रसारी प्रभु जी, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ गुरु जी, एक ये जानना चाह रहे थे कि जैसे भगवान ने अपने मथुरा के पास जो वृंदावन है वहां लीला करी थी, सब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो मेरा ये था कि वृंदावन क्या गोलोक में भी, जैसे ये परछाई बताते थे एक अध्याय में
कि ये शाश्वत पेड़ है और ऐसे ये उसकी ओरिजिनल की परछाई है ये जगत, तो क्या ओरिजिनल वृंदावन वहां गोलोक में है क्या गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल, देश काल जितना है सारा कुछ भगवान अपनी पूरी चीज को पूरी टीम लेकर के आते हैं, पूरा जगह लेकर के आते हैं जब भी लीला करना है, तो उनकी ये वृंदावन जो है वो गोलोका धाम में ओरिजिनल वृंदावन वहाँ धाम है और ये जो है उसका प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है। वहाँ पे गुरु जी फिर गोलोक में वो यमुना नदी वगैरह सब होंगी वहाँ पे? प्रभु जी मेरा इतना अध्ययन नहीं है, पर ये जरूर बताते हैं कि जो वृंदावन का हम अनुभव यहाँ करते हैं, जो भक्त अगर वृंदावन, जैसे कल माता कह रही थी ना, डॉक्टर माता थी वो कह रही थी ना कि जो जो मुझे जो भाव उत्पन्न हुआ था वो भाव रिपीट नहीं कर पाते, तो हर भक्त जब वृंदावन जाता है ये जो अपना मत मत हाँ तो भक्ति होती है वहाँ, हाँ वो अगल अकल्पनीय भक्ति है, तो बस हम इससे बस इमेजिन कर सकते हैं कि वो तो गोलोका धाम का वहां तो भौतिक कलेश है ही नहीं, भौतिक कलेश है ही नहीं। और यमुना जो है या गंगा है ये तो भगवान के सब भक्त है ना, तो वो तो निश्चय ही वहां होंगी, बिल्कुल सारे भगवान के तो भक्त है ना, या अंगूठे अंगूठे से गंगा नदी निकली है वो, तो जब मुंह में उन्होंने इतना वचन, इनके इतने वो पवित्र हैं, जब गंगा नदी इतनी पवित्र है तो उनके खुद धाम तो फिर कहना ही क्या है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे भगवान के भक्त है ना, तो भगवान निश्चय वहाँ सारे भक्त भी अपने वहाँ होंगे। कहते वहाँ का शरीर भी वो ये आध्यात्मिक शरीर होता है जीव का, ये ऐसा भौतिक शरीर नहीं होता 8 मास का, बिल्कुल भौतिक शरीर तो प्रभु सिर्फ भौतिक जगत में है, बाकी केवल भौतिक जगत, इससे पार जितना चला गए ये जगत से पार तो सारा आध्यात्मिक और दिव्य शरीर दिव्य हो जाता है। जी जी, बहुत सुंदर गुरु जी, आपसे बहुत जानकारी मिलती है मुझे, समझने में मेरे को आसानी होती है, बहुत ही आप क्लियर बताते हो। अरे कशिश माता प्लीज, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे जी जी, हरे कृष्ण माता जी जी। आपने कल के अध्याय में पढ़ाया था ना लास्ट में कि सबसे प्रथम जीव थे जो ब्रह्मा जी थे, फिर महाविष्णु जी थे, तो मुझे थोड़ा सा ना क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज एक बार फिर से बताएं। माता आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी मैं जो प्रश्न आपका समझा हूँ, ये आप पूछना चाह रहे हैं कि महाविष्णु कौन है, ये पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, कि सबसे पहले सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा जी थे, फिर विष्णु जी, मतलब ये आपने बताया था ना कल, वो एक्सप्लेन अच्छे से, मैं दोबारा से कोशिश कर रही थी अध्ययन करने की, बट मुझे समझ नहीं आया था, प्लीज बता दीजिए। ओके ओके ओके, अभी बता देता हूँ आपको। देखिये जो कृष्ण है, जब ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करना होता है उनको, तो सबसे पहले वो अपने आप को महाविष्णु के रूप में एक्सपेंड करते हैं। महाविष्णु जो भगवान के प्रथम पुरुष अवतार हैं, उस रूप में उनको महाविष्णु बोलते हैं। वो कारण सागर होता है, उस कारण सागर में लेटे हुए रहते हैं, और वो जितने सांस को ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, जितनी सांस ब्रीद आउट करते हैं, उनके जो बुलबुले निकलते हैं, उन वो सारे बुलबुले जो हैं वो ब्रह्मांड के रूप में विकास होते हैं, ठीक है। ये पहला सृष्टि हुआ। सेकंड सृष्टि होता है कि जो ये महाविष्णु है, ये सेकंड टाइम फिर अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, और जितने असंख्य ब्रह्मांड हैं, इन सब असंख्य ब्रह्मांड में सेकंड वेव सेकंड एक्सपेंशन होता है इनका, जिनको कहा जाता है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं, हर एक ब्रह्मांड में, जितने सैकड़ों ब्रह्मांड है। तो पहला कौन है? पहले महाविष्णु है जो ब्रह्मांड का बुलबुले से निकालते हैं। सेकंड हो गया कि जो अब सेकंड टाइम वो गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं, हर एक ब्रह्मांड में जा करके वो गर्भ ओशन
गर्भ सागर में लेटे रहते हैं और उनके नाभि कल नाभि से कमल की नाल निकलती है, कमल का फूल निकलता है और वो जो डंडी होती है वही डंडी में कमल का जब फूल ऊपर जाता है तो वो जो फूल है उस फूल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और वो जो डंडी है, जो डंडी कमल के जो नाल होता है वही हमारा सारा भौतिक जगत होता है। वो भौतिक जगत जो है वही है, और जो फूल है, जो फूल है वो भगवान, वहां ब्रह्मा जी का सबसे उच्च जो लोक है वहां ब्रह्मा जी बैठते हैं, जो कमल का फूल है, ठीक है। और इसके बाद ब्रह्मा जी बहुत हजारों हजार वर्ष तक वहां वेट करते रह गए कि उनको कोई दिखाई नहीं, कमल के फूल में बैठे हुए थे कोई दिखाई नहीं, तो फिर कमल के नाल जो था डंडी था उसको पकड़ करके नीचे आए, तब भी उनको कोई नहीं दिखा, फिर ऊपर गए तो फिर उनको एक साउंड आया, तप, यानी तप करने के लिए भगवान ने उनको बोला, किसी को नहीं देखा उन्होंने। फिर वो हजार वर्ष, हजार या 10,000 वर्ष मुझे गणना या स्मरण में नहीं है, तो उन्होंने तपस्या करी और तब भगवान ने उनको दर्शन दिया और फिर उन्होंने कहा तुम सृष्टि का निर्माण करो। फिर वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, सभी देवी देवताओं को का उत्पाद करते हैं, जीव का उत्पाद करते हैं, महर्षि आते हैं, और इसके बाद जड़ चेतन वस्तु पत्थर पेड़ पक्षी पौधे सब आते हैं। इस सब का विस्तार से वर्णन आता है माता, कैसे कैसे ये बने हैं, और हर एक थर्ड टाइम दोबारा थर्ड टाइम विष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो हर एक जीव और हर एक कण कण में वो चले जाते हैं थर्ड टाइम। तो तीन प्रोसेस है जगत का, पहला महाविष्णु जो ब्रह्मांड को लाते हैं, ब्रह्मांड में दोबारा जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, थर्ड टाइम हर एक जब सृष्टि की निर्माण हो जाता है तो हर एक जीव हर एक जड़ में थर्ड टाइम शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं और फिर ये सृष्टि का पालन करते हैं। तो जो जो थर्ड अवतार हैं शिरोदक्षाय विष्णु वही मूल स्वरूप हैं भगवान के, बाकी के जो अवतार हैं वो वहीं से आते हैं। तो जो हम बोलते हैं ना कि ये भगवान पूरे सृष्टि के पालनहार हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये जो पालनहार हैं यही हैं शिरोदक्षाय विष्णु, ठीक है। तो इस तरह है सृष्टि का पूरा निर्माण होता है। हरे कृष्ण। दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्ण, आपका क्या प्रश्न है बताइए, पूछिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्रभु। कुछ पूछना चाहते हैं दिनेश प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट करना चाहते हैं, आपने हैंड रेस करा। ठीक है, अगर आपके प्रश्न रह जाए नोट कीजिए, कल फिर प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे अगर अनम्यूट नहीं हो रहा तो। ठीक है, आपने क्विज कर लीजिए, सारे सभी क्विज कर लीजिए, एक साथ कोशिश कीजिए कि एक एक करके क्विज कर रहे हैं और अगले लेवल में सभी लोग आइए, ठीक है, आज चलते हैं।